मोम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे चुकंदर और गाजर से बनी हुई एक बहुत ही स्वादिष्ट सा भेल। चलिए बनाना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बीट और गाजर इन दोनों को ये छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से हम लोग काट लिए हैं। अब ये बीट और गाजर को हम अच्छे से धो लिए हैं। काटने के बाद इसको हम लोग डाल लेंगे एक प्रेशर कुकर पे। और साथ ही हम लोग कुछ आलूओं को भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। इसको भी हम लोग इसी बीट और गाजर में मिला लेंगे और साथ में मिला देंगे हम लोग हरी मटर। मैंने 1 किलो हरी मटर इसमें अच्छे से छील के ले लिया है और इसमें डालेंगे हम लोग 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह से हाथ से टुकड़ा करके। 3 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये करने के बाद हम लोग इसमें मिलाएंगे पानी। पानी मिलाने के बाद इसमें हम लोग डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। अब इन सारे सामग्रियों को हम लोग एक साथ करके 2 सीटी लगा लेंगे। गैस पे आप रख दें प्रेशर कुकर और इसको 2 सीटी लगने दें। ये जो डिश है ये बहुत ही हेल्दी है। इस ठंडी के समय बीट गाजर ये अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां है, हरी मटर बहुत मार्केट में आते हैं, वो बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होती है। सलाद के रूप में भी आप इसको खा सकते हैं और इस तरह से उबाल के आप दीजिए। ये उबला हुआ होने के बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उबला हुआ है तो स्वाद नहीं आ रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगी, आप बना के ज़रूर देखिएगा। और जो नए लोग हैं अभी मेरे चैनल पे, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इसको गैस को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम लोग उतार के आगे का प्रोसेस को करिए। जैसे ठंडा हो गया हम लोगों ने निकाल दिया है। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज और साथ में हम लोग इसमें मिला लेंगे थोड़ी से कोई सा भी आप मिक्सचर ले लें और उसको इसमें ऐड कर लें और थोड़े से सेव की भुजिया। इतना करने के बाद हम लोग पूरा 1 बड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ लेंगे। खट्टा आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप डालें। मैं यहाँ पर 1 बड़े नींबू का रस इसमें डाल ले रही हूँ। अब इन सबको हम लोग कर देंगे मिक्स। आप चाहें तो अगर तीखा आप ज़्यादा खाते हो तो इस समय थोड़ा सा जो लाल मिर्च पाउडर होता है वो आप थोड़ा सा इसमें डाल ले सकते हैं। अब इसको हम लोग निकाल के सर्व कर लेंगे। इसको इस तरह से आप निकाल के सर्व करें और ऊपर से थोड़ा सा आप सेव भुजिया डाल के बच्चों को दें, उनको खाने में भी अच्छा लगेगा और ये पौष्टिक भी है बहुत। लीजिए, बन के तैयार है हमारी ये स्वादिष्ट सी रेसिपी। आप भी घर पे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।